हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मुझे। आज शाम को गया था मैं और यहाँ तैयार हो रहा हूँ। 24 hours later तो ग्वालियर तो मैं रात को पहुँचा था, तो बहुत थक गया था, इसलिए रात को वीडियो नहीं बना पाई। अगली दिन की वीडियो है। तो ग्वालियर में था मुझे थोड़ा सा काम, तो सुबह 5 बजे उठ करके मैं टैक्सी पकड़ता हूँ और अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता हूँ। तो गाइस मैं अभी यहाँ होली के मंदिर आ चुका हूँ और देखिए अब यहाँ जाना है मुझे। बहुत ठंड है भैया, बहुत ठंड है। तो सुबह का था वक्त और बहुत ठंड हो रही थी, इसलिए मैंने कुल्हड़ वाली चाय पीने का फैसला किया। होली के मंदिर के पास ये भैया चाय बेचते हैं, बहुत टेस्टी चाय थी। तो इधर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि टैक्सी वाले भैया कब चलेंगे। लगभग आधा घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ होली के मंदिर पे, और टैक्सी वाले भैया हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं पूरी टैक्सी भर कर ही जाऊँगा, इसके पहले नहीं जाऊँगा। तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली 1 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद हमारे टैक्सी वाले भैया हमें बैठा के हमारी डेस्टिनेशन पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। रास्ते के कुछ नज़ारे हैं, देखिए कितना कोहरा है यहाँ पे। ठंड बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और देखिए कोहरा कितना ज़्यादा। ठंड देखो, ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं पोहे वगैरह के, देखते हैं कितने का मिलता है यहाँ पे पोहा। तो यहाँ पे हाथ थोड़े गर्म करने के बाद सामने ही भैया लगाए हुए थे पोहे, और 20 रुपए की फुल प्लेट थी, तो मैंने 1 प्लेट ली। बहुत टेस्टी पोहे थे। ग्वालियर के पोहे थोड़े मीठे रहते हैं लेकिन टेस्टी। 2 hours later तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस, और मैं जा रहा हूँ ग्वालियर का मेला देखने। देखते हैं कैसा क्या है ग्वालियर के मेले में। देखिए हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर मेला में, देखते हैं चलिए आंगन में चल करके। मेले में घूम रही सदाइयों कृपया ध्यान दें, मेला परिसर में घूमते समय आप सावधान रहें। मेले में घूमते समय अपने सामान की सुरक्षा करें।
जल्दी करे। तो देखिए हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं, बहुत अच्छा मेला लगा है। तो भैया हम एक हिस्से में और आए हैं, देखिए आप देखिए तो हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं, यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग टैक्सी और जाएंगे बस स्टैंड स्टेशन की तरफ। चलिए चलते हैं, मेला देख लिया है हमने। तो मेले में घूमने के बाद मुझे लगने लगी थी बहुत तेज भूख, तो मैं आ गया था एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। लगभग 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरा खाना देखो आ चुका है। ये दाल फ्राई है, दाल फ्राई मंगाई है मैंने। ये सैलेड है और ये तंदूरी रोटियां हैं बटर के साथ। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले। 15 मिनट्स लेटर। तो इधर ये बेबी मॉल है, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। ये अभी हम ऊपर हैं। Two hours later. तो भैया हम लोग आ चुके हैं बस में, देखिए हमारी बस है, स्लीपर बस है ये। ये है हमारी सीट, पूरी स्लीपर बस ये ऊपर नीचे। तो अभी ये चलेगी थोड़ी देर में बस। तो ग्वालियर से थोड़ा ही आगे निकलने के बाद एक मंदिर पड़ता है श्री हनुमान जी महाराज का, जोरासी हनुमान जी मंदिर। तो
तो रास्ते में बस जाती है तो हमें हनुमान जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के अंदर तो नहीं जा सका लेकिन बाहर से ही बहुत अच्छा स्थान है। मैं पहले भी एक दो बार यहाँ गया हूँ, दर्शन किए हैं और बहुत अच्छा स्थान है। Through the wastelands, through the highways, hello.